मैं अपना गुप्ता इस बार आपके सामने लेकर आई हूं पार्ट 3 मन की बात। नमस्ते टू ऑल। इस सेशन में हमने अपने बच्चों के मन की बात को जानना चाहा और इस तरीके से इस बार बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया। बहुत टाइम निकाला। जब बच्चों को क्लास में पूछा गया कि क्या रेस्पॉन्स रहता है, आप पूरे टाइम घर में शैतानी करते रहते हैं, तो बच्चों ने कहा बहुत डांट लगती है मम्मा, बहुत करती हैं, बहुत ऐसे बोलती हैं। तो ये टफ टाइम है सभी के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए बहुत टफ टाइम है। लेकिन थिएटर ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ हमारी पुरानी कथाएं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सुने और हमारे संस्कृति और कल्चर को पहचाने। तो इस बार हमने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया और किस तरह से अपने मन की बात बताने की कोशिश की। बच्चों को पहले हमने 10 स्टोरीज पढ़ने को कहा गया। बहुत एक्साइटमेंट था उनको स्टोरीज को पढ़ने के लिए, अच्छा लगा। आगे देखते हैं कैसे बच्चे मन की बात बोलते हैं थिएटर से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज में अच्छे और बुरे के बारे में बताया जाता है, हर स्टोरीज में होता है, लेकिन ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके बहुत दिल के करीब हो, आपने सोचा हो नहीं इस स्टोरी से मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और जो मेरे दिल को छू गई, कुछ ऐसी स्टोरीज के नाम बताएं। मेरी मनपसंद कहानियों के नाम है महाभारत, रामायण, शबरी के पेड़, गंगा मैया का पृथ्वी पे आगमन, अर्जुन और चिड़िया की आंख। वैसे तो मैंने बहुत सारी माइथोलॉजिकल किताबें पढ़ी हैं, पर जिन किताबों ने मेरा दिल छुआ है उनका नाम है द करेज ऑफ अभिमन्यु, द फेथ ऑफ प्रहलाद, द स्ट्रेंथ ऑफ सीता। आज मैं आपको मन की बात में बताना चाहूंगी कि मैंने लॉकडाउन में क्या किया। मैंने लॉकडाउन में अपने दादा दादी से बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनी, जैसे भक्त प्रहलाद का भक्तिवाद, देवी महाकाली की शक्ति, सूरदास का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, श्रवण कुमार का अपने माता पिता के लिए प्यार। परंतु इन सभी कथाओं में से मेरी मनपसंद कथा दुष्टों का नाश करने वाली महाकाली की है। मैंने बहुत सी पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं। उनके आधार पर पहले प्रश्न का उत्तर है, मुझे रामायण, श्रवण कुमार, एकलव्य और दानवीर करण की कहानियां सबसे अच्छी लगी। ध्रुव की कहानी भगवान के प्रति प्यार, रामायण, नारायण की कहानी, महाभारत। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जब आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है तो आप उस कैरेक्टर में आना चाहते हैं। तो आपको जो स्टोरी अच्छी लगी है उस कैरेक्टर का नाम बताएं और उसको करके दिखाएं बहुत छोटे टाइम में, जिससे कि मुझे हमें पता लग जाए कि आपको ये कैरेक्टर अच्छा लगा। लेकिन वो परफेक्शन होनी चाहिए कि उसका फेवरेट डायलॉग अच्छा होना चाहिए, उसकी फेवरेट चीज आपको स्टोरी की जो भी पढ़ी हो आपने, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो बोल के दिखाएं, एक्ट करके दिखाएं, कैसे भी दिखाएं। तो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। आज मैं गंगा मैया का अभिनय करने जा रही हूँ। प्रभु मैं धरती पर नहीं जाऊंगी, मेरे तेज प्रभाव से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। गंगा मैया को अभिमान हो गया था और शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में बांधकर उनका अभिमान दूर किया। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम प्रहलाद है। मेरे पिताजी का नाम हिरण्यकश्यप है। मेरे माताजी का नाम कयाधु है और मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। लेकिन मेरे पिताजी उनकी पूजा नहीं करने देते, लेकिन फिर भी मैं उनकी भक्ति में लीन रहता हूँ। अत्याचार की ज्वाला में जब जब सृष्टि जली है, तब तब पार्वती से एक महाकाली जन्मी है। मुझे श्रवण कुमार का किरदार सबसे अच्छा लगा।
था। बताओ मुझे कौन सा पात्र अच्छा लगा? भीष्म जी का, वो बहुत अच्छे लगे मुझे। और उनको ना इच्छा मित्र का वरदान मिला था, जो भी उन्होंने उनके पिताजी ने दिया था उनको। पता आपको ये बात? चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ था। पिता की इच्छा के सामने ना अपनी उन्होंने इच्छा का समर्पण कर दिया था। मैं चलो अब मैं आपको उनकी प्रतिज्ञा दिखाता हूँ, उन्होंने कैसी प्रतिज्ञा की थी। मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं धरती और आकाश को और गंगा माँ को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, आपके माइंड को जो आपका लॉक हो गया है, तो जो हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो हमारे माइंड को अनलॉक करती हैं, हमारी क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उस टाइम पे पुरानी कथाओं के टाइम पर थे, लेकिन आज के टाइम में उन कैरेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? अपनी खुद की इमेजिनेशन क्या है? थोड़ा सोचने वाला टाइम है, क्रिएटिव है, क्रिएट योर इमेजिनेशन। महाभारत से हम सीखते हैं कि कैसे 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। मैं हर उस बच्चे को प्रहलाद मानता हूँ जिसके सामने 100 बुराइयां होने पर भी वह अच्छाई का साथ ना भूले। आज ही माँ काली की कथा के असुर जीवित हैं जो औरतों और बच्चियों पर अत्याचार करते हैं। जैसे प्राचीन काल में गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने को की शिक्षा देते थे, इसी प्रकार गुरु ज्ञानानंद जी महाराज हम एवं अध्यापक गण हमें धर्म के मार्ग की चलने की शिक्षा देते हैं। My next question, mythological stories में कुछ ना कुछ values होती हैं, सभी stories में values होती हैं, और आपने छुट्टियों में इन दिनों में रामायण तो देखी होगी, सभी बच्चों ने देखी होगी और उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसी रामायण की ऐसी कौन सी value है जो आप अपने घर में देखते हैं, करते हैं और आपका मन करता है कि ये होना चाहिए, आपकी फीलिंग है? तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज का नाम बताएं, और अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात आप अपने घर में करते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और सबके साथ शेयर करते हो, तो उस वैल्यू का नाम बताएं। रामायण में जिस प्रकार श्री राम ने अपने पिता का आदर करते हुए 14 साल वनवास काटा, वैसे ही मैं अपने घर पे अपने माता पिता का आदर और सम्मान करती हूँ। मैंने रामायण देखी और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने रामायण से यह सीखा कि अपने माता पिता जी का आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, बड़ों का आदर करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। मुझे रामायण कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भाइयों बहनों में प्रेम होना चाहिए। मैं रामायण की कथा का पात्र लक्ष्मण बनना चाहूँगी, जिन्होंने अपने भाई के प्रेम में राजपाट को त्याग दिया। रामायण की भांति मैं अपने परिवार में माता पिता की आज्ञा का पालन एवं भाई भाई का प्रेम देखता हूँ। मैंने रामायण देखी, उसमें सबसे बड़ी सीख बताऊँ क्या थी? जो बुराई नहीं होती, वो कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई इतनी सी भी हो, पर वो हमेशा सच्चाई जीती है। पता है आपको ये बात? घर में यही सिखाया जाता है कि हमें कभी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। रामायण में हमें एकता,
की सीख मिली, जैसे कि जो चार भाई हैं उनमें प्यार था, लालच नहीं किया उन्होंने। माय लास्ट क्वेश्चन, मिथोलॉजिकल स्टोरीज में बहुत लंबी होती हैं, कुछ स्टोरीज इतनी लंबी होती हैं, कुछ स्टोरीज में कैरेक्टर्स कुछ समझ में नहीं आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ध्यान नहीं रहते, याद नहीं रहते, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड से हो जाती हैं। मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी कॉम्प्लिकेशन लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं वहीं छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ स्टोरी को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आपने भी के सामने यही आया होगा, आप भी सोचते होंगे कि इस स्टोरी को ना यहीं ख़त्म हो जाने चाहिए, इससे आगे ये स्टोरी होनी नहीं चाहिए, और मेरी तो इमेजिनेशन इतनी बोलती है। तो कुछ तो होगा आपके माइंड में, कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आपको लगा होगा बस बहुत हो गया, मम्मा अब नहीं, बस अब मत सुनाओ, ये स्टोरी को यहीं ख़त्म कर दो, मैं इससे ज़्यादा याद नहीं रख सकता। तो कुछ तो होगा। तो फन के लिए थोड़ा आपने अगर कुछ पढ़ा हो और उसमें कैरेक्टर आपको ऐसा लगा हो जो जिसके ऊपर बहुत गुस्सा आया हो और कहा हो नहीं इस कैरेक्टर को यही खत्म हो जाना चाहिए था, तो कुछ कैरेक्टर के नाम बताएं, अच्छा लगेगा। ना ही दशरथ वान चलाकर श्रम कुमार को मारते और ना ही राम जी 14 साल के वनवास पर जाते। यह मानना है कि जब हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिल रहा था, इस कहानी का अंत वहीं हो जाना चाहिए था, क्योंकि फिर हिरण्यकश्यप में अहंकार आ गया और उसका पतन शुरू हो गया। महाकाली की कथा का अंत तभी होना चाहिए था जब दारुक असुर का अंत हुआ, उसके उपरांत महाकाली और भी भयावह हो गई। मुझे महाभारत में धृतराष्ट्र के किरदार पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह अपने पुत्र के हर गलत कार्य में उनका साथ देते थे। मुझे रामायण में सबसे गंदा बताऊं क्या लगा, जब राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे और उन्होंने धोबी की बात पर विश्वास किया था और सीता को घर से बाहर निकाल दिया था, मुझे जब वो इतना गंदा लगा, वो जब भी खत्म हो जानी चाहिए थी। इस सेशन में हमने बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बच्चों को बहुत अच्छा लगा और पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा डिस्कशन हुआ। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे। तो कुछ हमने थिएटर ने कुछ नया करने का सोचा और बच्चों की क्यूरियोसिटी जिस तरह से हम उसको एनकरेज कर रहे थे, तो वो सेशन पूरा अच्छा रहा। हम 10-15 डेज वीडियोस प्रिपेयर किए और बच्चों ने एंजॉय किया, इस तरीके से उन्होंने स्टोरीज को भी पढ़ा और कैरेक्टर में आए, और दिवाली का टाइम भी आ रहा है तो बच्चों को बहुत मन कर रहा है कि हम इस कैरेक्टर में आके हम इसको एक्ट करें, और बच्चों ने एक्ट भी किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। और दिवाली के टाइम पर एक छोटी सी एक्टिविटी कराई जिसमें कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।